जैसे कि दिखाया, मे भी शायद ना दिख रहा होता उस वक्त, छुप गया होगा। तो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, तो वर्क डन बाय बैटरी जो है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस से निकाला जा रहा है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट है। पर इस वक्त डायरेक्शन ऐसे कोई चेंज नहीं हो रही, तो हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा वर्क डन ऑन द चार्ज क्यू इन टेकिंग इट फ्रॉम प्लेट बी टू ए। सो सिंपली ये नॉर्मल वर्क डन है एफ बी इंटू डी। तो अगर मैं बोलूँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ऐसे में जो बाय बैटरी होगा वो क्या होगा, WB/Q, एंड यू कैन राइट इट एज FB×D/Q। अब FB और F की स्टेडी सिचुएशन में बराबर हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, स्टेडी सिचुएशन, जब सेल कनेक्टेड नहीं है किसी भी सर्किट, मतलब कंप्लीटेड नहीं है एक्सटर्नली, तो हम बराबर लिख रहे हैं FB को QE×D/Q। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कैंसिल कर दिया Q से Q, और E इंटू डी क्या होता है, V, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, वी हैव गॉट वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज एज पोटेंशियल डिफरेंस। रिमेंबर दैट, ये तो बहुत अलग चीजें हैं। वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज इज एक्चुअली कॉल्ड ईएमएफ, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेटेड बाय डिपोजिशन ऑफ चार्जेस। ये दो अलग बातें हैं, डिपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो ध्यान रखें कि ईएमएफ जो होता है वो है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग इट फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। वेर एज जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन साइड द सेल, इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं इन साइड द सेल। दोनों में आप अंतर समझिए, ये इलेक्ट्रिक इन नेचर नहीं है, ये वर्क डन जो है इट इज नॉट इलेक्ट्रिक इन नेचर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट पोटेंशियल डिफरेंस इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इन साइड द सेल। द टू आर बाउंड टू बी इक्वल व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज। सो ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज नॉट ड्रॉइंग एनी करंट, और यू कैन ऑल्सो से वेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। दोनों बातें, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। सो कोई पूछे वॉट इज द वर्क, वॉट इज द ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो आप बोलेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, इट इज अ वर्क डन इन बाय द बैटरी फोर्स इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। पर यूनिट चार्ज भी लगा लेना। क्या बोला मैंने, वॉट इज ईएमएफ, इट इज अ वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स इन टेकिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। वन सेल इज क्रिएटेड, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो ये ईएमएफ है। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन की वजह से होता है। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम भी हो सकती है किसी सिचुएशन में, ज्यादा भी हो सकती है, बदल सकती है। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैन वेरी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट वेरी, सॉरी ईएमएफ कैन नॉट वेरी, ईएमएफ विल रिमेन द सेम। बैटरी फोर्स इनटू डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल, द बैटरी फोर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज अंडर एनी सिचुएशन। व्हाट इज व्हाट कैन चेंज पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे आधारित है, डिपेंड करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कम भी हो सकता है जब इसको कनेक्ट किया जाए किसी एक्सटर्नल सर्किट से, और ज्यादा भी हो सकता है। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मोर देन ईएमएफ, एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी लेस देन ईएमएफ।
ये फिक्स्ड है, इट इज बैटरी फोर्स इनटू डिस्टेंस पर यूनिट चार्ज, दैट इज ईएमएफ। पर ये वो चीज नहीं है, ये सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ई इंटू डी है, दैट्स इट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, डी चेंज नहीं होगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, तो उसके बारे में अब देखते हैं कैसे बदलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं हमने कनेक्ट कर दिया इस सेल को, हमने सेल को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये प्लस या नेगेटिव, तो पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हो गई इन दिस डायरेक्शन। तो व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस प्लस और माइनस प्लेस जनरेट हुई है इन द वायर एक्सटर्नल, जो वायर एक्सटर्नल है वहां पे, कॉजेस द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन ये प्लेट ए थी, ये प्लेट बी थी, डायरेक्शन एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन प्लेट ए, दस रिड्यूसिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट ए। अब यहां से यहां पे आकर जब डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो प्लेट ए पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, और यहां से जब आप नेगेटिव हटा रहे हो, यहां से नेगेटिव हटा के यहां लेके जा रहे हो, तो या नेगेटिव कम हो जाएंगे या पॉजिटिव कम हो जाएंगे, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी ऑल्सो डिक्रीजेस। जब यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये एरिया डेफिशिएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा थोड़ा, और ये प्लस में जाकर इलेक्ट्रॉन जब प्लस वाली प्लेट में जाएगा तो न्यूट्रलाइज करेगा थोड़े प्लस चार्जेस को, और यहां प्लस चार्ज कम हो जाएगा। अब समझ गए आप, जब यहां पे एक प्लेट पर यहां पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की आने की वजह से यहां पॉजिटिव कम हो रहा है और यहां पे नेगेटिव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई ना, वो तो बेचारी इसी बात पे डिपेंड कर रही थी डिपोजिशन पे, डिपोजिटेड चार्ज तो कम हुआ इलेक्ट्रॉन की आने की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई, ऑन द प्लेट ऑल्सो डिक्रीजेस कॉजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल टू रिड्यूस। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता था वो, सो इसको लिख लो एंड वी इक्वल्स टू ईडी। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, टर्मिनल्स ऑफ सेल डिक्रीजेस व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। अब आपको समझ में आ गया होगा वाई जब सेल यूज में आता है तो ईएमएफ से कम क्यों हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर ईएमएफ इज ग्रेटर देन वी व्हेन सेल इज इन यूज। और कैसा यूज, ड्रॉइंग करंट फ्रॉम सेल, करंट फ्रॉम सेल, तो उस दौरान आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। नाउ इसको ही आगे बढ़ा लेते हैं, ऑन द अदर हैंड अगर आपका सेल किसी मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब कोई और सेल बड़ा सेल लगा दिया वहां से करंट लेता है, अब सेल करंट अंदर आ रहा है, ठीक है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस जनरेटर, मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं, इफ द रिवर्स हैपेंस, सपोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स बिगर सेल इन दिस डायरेक्शन, तो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स यहां से छीन ले जाएंगे और यहां डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, सो व्हेन करंट इज गिवन टू सेल, इस सेल में करंट दिया जाएगा, गिवन टू सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, इधर है ना, पहले उल्टा साइड थी तो इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, तो देन द इलेक्ट्रॉन्स
आर टेकन फ्रॉम प्लेट ए, प्लेट ए एंड डिपॉजिटेड टू प्लेट बी. सो चार्जेस ऑन ए एंड बी इंक्रीजेस, दस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल इंक्रीजेस, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस. एंड इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ ज्यादा हो जाती है, और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ सेल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता है ये कि ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्जिंग में ईएमएफ छोटा क्यों हो जाता है, डिस्चार्जिंग में ईएमएफ बड़ा क्यों रहता है. ध्यान रखें ईएमएफ जो है वो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, वो बैटरी फोर्स इनटू डिस्टेंस है, और जितना बैटरी फोर्स लगता है बी प्लेट से ए प्लेट में चार्ज ले जाने में वो क्यों बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, वो सेल का इंटरनल मैकेनिज्म है. सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ ईएमएफ इज जनरेटेड, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, why the two are sometimes greater than each other, from the greater than the other, and all this theory about the cell. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेल में एक और चीज होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस.